ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से आज हमारा ये पीरबुरान चौरास्ता इंदिरा नगर में 16वां कैंप था, और जिस तरीके से हमने 3 महीने पहले ये कैंपेन जो है शुरू किया था, तो उन हालात को देखते हुए अभी के जो हालात काफ़ी सुधरे हुए हैं, लोगों के दिलों में से डर निकला हुआ है। और आज पीरबुरान में हमने ये देखा कि ये स्लम एरिया होते हुए भी लोगों में बहुत सारा अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जितनी हमारी कोशिशें करनी थी उतनी कोशिशें की, और यहाँ के लोगों के तासुरात भी अच्छे हमको जो है मिले, अच्छे से वो लोग अपने टेस्ट करवाए और किसी तरह से हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ नांदेड़ की जानिब से अभी तक हमारा ये 16वां कैंप था, इसमें अभी तक हमने तकरीबन 20,000 लोगों का टेस्टिंग किया हुआ है और लगभग 70,000 लोगों का हमने अवेयरनेस किया है, जिसमें लोगों को घर घर जाकर कोरोना के बारे में हमने बताया है। यहाँ पर हमने लगभग 3 टीमें 25 लोगों की ऐसी 3 टीमें काम की हैं, 25 लोगों की टीम थी, जिसमें हमने घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग की और उन्हें कोरोना के बारे में मालूम दी। लोगों के अभी कैसे तासरात हैं? अभी भी लोगों में थोड़ा सा इसके बारे में डर बना हुआ है, और लोगों के बारे में ये अभी भी ये शक है कि ये कोरोना वायरस का बीमारी जो है अभी कब खत्म होगी और इसके बारे में इलाज या इसकी जो वैक्सीनेशन कब तक आएगी, ये अभी भी शक व शुबा में लोग परेशान हैं। आगे जाके कुछ दिनों में अभी और कुछ कैंप्स हम लोग करेंगे ताकि लोगों में इसके बारे में और बेदारी पैदा हो। तंजीम की तरफ से किस तरह के रद्द अमल पेश किया जा रहा है जब लोग आपके ऊपर शक व शुबा तंजीम इंसाब की जानिब से हम लोगों में ये बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें अगर जितना जल्दी हम लोग इसके बारे में मालूमात ले लें तो वो बीमारी जितनी आसानी से सही हो सकती है, इसलिए लोगों में हम ये लोग जाकर बता रहे हैं कि इस बीमारी में जितने नए सिम्टम्स वगैरह नज़र आते हैं वो जल्द से जल्द अगर जितनी जल्दी मालूमात हो जाए तो उसका इलाज भी आसानी से हो सकता है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ डॉक्टर्स माइनॉरिटी एसोसिएशन की जानिब से आज हमारा 16वां कैंप पीर बुरहान के गांधीनगर एरिया 13 नंबर गली में अंजाम पाया। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से हमने यहाँ बहुत से लोगों की स्कैनिंग की और यहाँ के लोगों में एक जज्बा दिखा चेक करवाने का। हम लोगों से सबने बहुत अच्छे से चेक करवाया और हमें बहुत खुशी हुई। हम आगे भी ऐसे ही कैंप करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमारा इसी तरह से साथ दें। जी, हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आगे भी इसी तरह हमारा साथ दें और हम जो वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा सपोर्ट करें, इसलिए हमको भी खुशी होगी और ये सब लोगों की मेहरबानी से हमारा काम भी अच्छे से अंजाम अच्छे से रिस्पॉन्स किया। और आगे भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे को ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से लिए जाने वाले, और सभी लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आज जिस तरीके से इस पीरबुरान के ख्वातिनों ने हमारा साथ दिया, उसी तरीके से आगे भी हमें इस तरीके से साथ दिया जाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सभी जो लोग जुड़कर यहाँ पर हम एक साथ काम कर रहे हैं उन सभी गर्ल्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज सभी ने यहाँ पर वक्त निकाल कर प्रेजेंटेशन किया है। शुक्रिया।